हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब क्लाउड। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ दिवाली स्पेशल कार्ड। जैसे कि ऐसे ही ई कार्ड आप लोग भेज सकते हो किसी भी फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को। तो आइए देखते हैं ऐसे गोल्डन ग्लो वाला टेक्स्ट टाइपोग्राफी का कैसे इफेक्ट दिया जाता है, और ऐसे ही फ्रेमिंग करके आप अपना कार्ड को डिजाइन कर सकते हो। तो ये गोल्ड इफेक्ट मेनली जो सिखाया जाएगा इस ट्यूटोरियल में वो है ये गोल्ड इफेक्ट कैसे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट लेती हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैं लेती हूँ 1000x1000 का और 100 रेजोल्यूशन लेती हूँ। 100 रेजोल्यूशन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये वेब बेस्ड है और यहाँ पर RGB कलर मोड है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड जो है ये ऑनलाइन में भेजने वाली हूँ मैं। तो ये कार्ड बनाने के लिए मुझे पहले जो स्टेप लेना है वो है ये बैकग्राउंड को मुझे ब्लैक करना है। मैं ऑल बैकस्पेस करके कंट्रोल बैकस्पेस करके इसको पूरा ब्लैक करेंगे। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर टेक्स्ट मुझे लेना है। हैप्पी दिवाली वाला टेक्स्ट में ध्यान रखना कि ये जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है ये पूरा बोल्ड में होना चाहिए, और यहाँ पर जो कलर कोड दिया गया है FF9C00 ये एकदम आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट यही कलर कोड होना चाहिए तभी गोल्डन ग्लो का इफेक्ट पूरा प्रॉपरली आएगा। उसके बाद मैं लेती हूँ यहाँ पर एक इमेज, कोई भी दिवाली स्पेशल इमेज आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर मैं ये वाला इमेज लेती हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ पर डाउन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा टेक्स्ट ले लिया। मैंने टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज लिया है देखो ऐसे बोल्ड और सेंसरिक वाला फॉन्ट है, इसके साथ सेंसरिफ के साथ सेरिफ फॉन्ट ये हम लोग मिक्स कर सकते हैं साइज सेंसरिफ में, ठीक है। पहले मैं ये इफेक्ट दिखा देती हूँ। पहले मुझे ब्लेंडिंग ऑप्शन करना है, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ से एम्बॉस। जैसे ही मैंने बेबलन एम्बॉस मेरा यहाँ पर प्रिसेट्स हुआ था इसलिए ये पूरा गोल्डन ग्लो में आ गया। तो यहाँ पर एम्बॉस में देखो मैंने क्या क्या लिया। पहले मैंने लिया इनर बेबल, उसके बाद क्रश हार्ड, उसके बाद उसका डेप्थ जो लिया। डेप्थ अगर मैं चेंज करती हूँ तो उसके हिसाब से देखो ऐसे आ जाएगा। जितना हार्ड ज्यादा डेप्थ लोगे उतना ही हार्ड आएगा तुम्हारा मेटल इफेक्ट। उसके बाद साइज, ठीक है, जैसे कि ऐसा साइज कैसा चाहिए उसके ऊपर। सॉफ्ट को पूरा एकदम जीरो कर दोगे तो ऐसा हार्ड वाला इफेक्ट आ जाएगा पूरा। अगर मुझे सॉफ्ट थोड़ा सा रखना है तो मैं थोड़ा सा रख सकती हूँ, वरना ये हार्ड वाला भी अच्छा ही लग रहा है। उसके बाद एंगल एकदम 90, उसके बाद यहाँ पर जो ऑटिट्यूड है इसको 35 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्राफ चार्ट को सेकंड ऑप्शन कैप्चर करना है। यहाँ पर क्रॉस कंट्रोलर जो है जहाँ पर ग्लॉसीनेस कंट्रोल होता है यहाँ पर मुझे सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। और यहाँ पर मुझे लेना है हाईलाइट मोड पे लीनियर डॉज व्हाइट कलर में। ऑपोसिटी यहाँ पर 50% कर सकते हो या फिर थोड़ा सा कम कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा करोगे ग्लो उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ऑपोसिटी 50% ही रखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 60 करती हूँ तो देखो यहाँ पर ग्लोनेस जो है वो ज्यादा हो गया। उसके बाद ये तो लगभग मेरा आ ही गया। उसके बाद मेन जो इसका फंडा है वो है 2-3 ऑप्शन। एक है यहाँ पर मेनली ये कलर लेना, उसके बाद यहाँ पर क्रश हार्ड, यहाँ पर ग्लॉसी वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ग्लो वाला ऑप्शन, और यहाँ पर हाइलाइट्स वाले कलर मोड। ये मेन फंडा है इसका, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मुझे लेना है इनर शैडो में मुझे लेना है ये सेकेंड रो का एकदम लास्ट वाला पोर्शन, ये देखो हाफ राउंड
हाफ राउंड पे लेना है, यहाँ पर ब्लैक कलर, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिस्टेंस 7 to 29, ऐसे ही करो। तो यहाँ पर इजीली तुम्हारा जो गोल्डन वाला इफेक्ट वो आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा सेटअप करना है, एरो देके ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद मुझे सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप क्या लेना है, मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा एकदम सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल ए करके। तो मूव टूल में हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल में जाके यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर अगर मैं कर दूँ तो ये एग्जैक्ट पूरा अलाइनमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे करना है, यहाँ पर आना है, ये मैंने एक अलाइनमेंट कर दिया है इसका, नीचे वाला नहीं करेंगे, ऊपर वाला ही चाहिए, ऊपर वाला नीचे। अब टूल में गया, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, अंदर का जो कलर है वो नहीं चाहिए, तो मैंने अंदर का कलर ऑफ कर दिया। यहाँ पर स्ट्रोक मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और यहाँ पर पूरा सॉलिड। अभी देखो कैसा हो रहा है कि ऐसा एक स्लिक सा ग्रे है। अभी ये इफेक्ट्स के एरिया पे जाओ, ऑल्ट को प्रेस करो और ड्रैग ड्रॉप करो। जैसे ड्रैग ड्रॉप करोगे तो देखो यहाँ पर जो फ्रेम है उसपे भी गोल्डन इफेक्ट आ गया, क्योंकि ये इफेक्ट्स जो है वो कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाओ कस्टम शेप पे। कस्टम शेप पे बहुत सारा शेप मिलेगा तुम लोगों को, कोई भी शेप पकड़ सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा एथनिक वाला लुक चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई भी शेप पकड़ सकती हूँ, जैसे कि ये वाला लो या फिर ये वाला डिजाइनर, कोई भी डिजाइनर शेप लो। तो मुझे थोड़ा सा ये वाला डिजाइनर लुक चाहिए, तो यहाँ पर भी ये जो शेप है इसका भी कलर मुझे वही चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना शेप होना चाहिए, ये ऑप्शन, यहाँ पर कलर एग्जैक्ट होना चाहिए, ये येलो वाला। कंट्रोल टी करके रोटेट कर दो, रोटेट करके यही फिर से इफेक्ट को ऑल्ट प्रेस करो और डुप्लीकेट करो, तो यहाँ पर देखो गोल्डन हो गया। फिर कंट्रोल टी एंड ट्रांसफॉर्म, ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करोगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि ये ऐसे नहीं रहेगा, ये शेप ऐसा रहेगा, तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जो भी पसंद हो, जैसा भी पसंद हो वैसे लो रख सकते हो। थोड़ा सा देख लेती हूँ मेरा जो इफेक्ट है वहां पर कैसा था, वहां पर थोड़ा और बड़ा था, फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर कंट्रोल की और एग्जैक्ट पोजीशन। फिर मुझे ये शेप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करती हूँ, कंट्रोल टी, यहाँ पर वर्टिकल, वर्टिकल से यहाँ पर फिर से मैं इसको डाल दूँ। देखो यहाँ पर बन गया मेरा कार्ड। अभी कार्ड के अंदर मुझे अगर लिखना है कुछ सोचो, हैप्पी दिवाली के पहले मुझे लिखना है विश, तो विश टेक्स्ट मैं लेती हूँ। यहाँ पर मुझे ये सेम कलर नहीं देना है, मुझे व्हाइट देना है और काफी छोटा करना है इसे। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉन्ट चाहिए,
अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग चाहो तो दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते, यहाँ पर 2020 लिख सकते हो, पर 20 चाहो तो इसका भी गोल्डन कलर दे सकते हो, पर वो जरूरी नहीं है। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो नहीं दोगे, अगर चाहते हो ये कलर दो देना है तो मैं फिर से वो कलर लेती हूँ, कलर कोड यहाँ पर वो कलर कोड दे देती हूँ, क्योंकि ये कलर कोड बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मैं ये कलर कोड नहीं लूंगी तो पूरा इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने दे दी, तो यहाँ पर देखो 2020 हो गया मेरा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत अच्छी तरह एक कार्ड बना सकते हैं, यहाँ पर नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना स्टाइल यूज कर सकते हैं गोल्डन इफेक्ट के साथ। ठीक है, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।